दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है, मैं सिद्धांत एक बार फिर से नए एनालिसिस के साथ। SBTE स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 3 जुलाई 2020 यानी कल एक नोटिस जारी की थी। वह नोटिस स्टूडेंट्स के नाम नहीं है बल्कि जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है बिहार राज्य में उनके लिए रिलीज की गई है। उसके बाद कॉलेज आपको गाइडलाइंस देगी कि आपको क्या करना है, और इस नोटिस में इनडायरेक्टली सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बारे में बात की गई है। तो आइए इस नोटिस का फुल एनालिसिस करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आसान भाषा में समझ में आ सके। दोस्तों SBTE ने कहा है कोरोना एक महामारी है और इस परिस्थिति में सभी कॉलेज का पठन पाठन ऑनलाइन माध्यम से करा दिया गया है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स कॉलेज के सामने रखे गए हैं जो स्टूडेंट्स के माध्यम से पूरे होने हैं। जो स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के हैं उन्हें अगले सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के पढ़ाई का गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है कि उन लोगों का जो पढ़ाई होगा वो 1 अगस्त से चालू कर दिया जाएगा। और कहा है कि जितने भी कॉलेज है वो टाइम टेबल बना के संस्थान के वेब पोर्टल पर अपलोड कर दें और जो भी सूचना आगे होगी वो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी। सेकंड पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इंटरनल मार्क्स। बोर्ड ने कहा है कि 5 जुलाई से इंटरनल मार्क्स अपलोड करने के लिए वेब पोर्टल खोल दिए जाएंगे जो 13/7/2020 तक ही ओपन रहेंगे। आपको अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप या गूगल क्लासरूम के माध्यम से प्रैक्टिकल असाइनमेंट कॉलेज के पास जमा करने होंगे। थर्ड पॉइंट है इंटरनल मार्क्स। जो आपके कॉलेज में एक्सटर्नल एग्जाम से पहले इंटरनल एग्जाम होते थे कॉलेज में, वो वाले वो हो सकते हैं कि वो एग्जाम ऑनलाइन होगा, क्योंकि इस नोटिस में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि आपका एग्जाम होगा ये 20 नंबर वाला। इसका बहुत सारे कॉलेज ने इस चीज़ का गाइडलाइंस भी जारी कर दिया गया है कि आपका एग्जाम होगा, तो इस तरह से ऑनलाइन एग्जाम भी आपका होगा, लेकिन इस नोटिस में इस बात का जिक्र नहीं है। लेकिन आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा जो 20 मार्क्स का होगा, और उसके ये कॉलेज आपका डिसाइड करेगी कि वो एग्जाम आपसे सब्जेक्टिव लेती है या MCQ लेती है। कई कॉलेजों ने तो नोटिस भी जारी कर दी है कि वो स्टूडेंट्स को कब तक जमा करना है या कब तक उनका एग्जाम होना है। दोस्तों इस नोटिस के एनालिसिस से एक बात तो क्लियर है कि जो स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में है उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें अगले सेमेस्टर में पढ़ाई का आदेश जारी कर दिया गया है। चूंकि ये बात नोटिस में मेंशन नहीं है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा या एग्जाम कर दिया जाएगा, इसलिए इस बात को ऑफिशियल ना माने। जब SBTE नोटिस जारी करेगी तब आपको पूर्णतः मानना होगा कि आपको ये प्रमोट करेगी या एग्जाम लेगी, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है कि आपका एग्जाम लॉकडाउन के बाद हो उसके, या फिर आपको प्रमोट कर दिया जाए। आप प्रमोशन के मामले में इसे सॉफ्ट सिग्नल समझ सकते हैं। ये नोटिस सभी के लिए है, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर के हो, फोर्थ सेमेस्टर के हो, या सिक्स सेमेस्टर के हो, या थर्ड सेमेस्टर लेटर एंट्री के हो। इस नोटिस का पालन सभी स्टूडेंट्स को करना है और दी गई गाइडलाइंस के अनुसार सभी स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में असेसमेंट और इंटरनल एग्जाम देने होंगे। दोस्तों अगर सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट प्रमोट होते हैं तो उन्हें किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, आइए इसे समझते हैं। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का 50% मार्क्स और इंटरनल असाइनमेंट जो आपको कॉलेज में जमा करना है उसका 30% मार्क्स, और बाकी जो 20% मार्क्स उसका आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन। ये एग्जाम कैसे होगा, MCQ के थ्रू होगा या सब्जेक्टिव के थ्रू होगा, ये आपकी कॉलेज डिसाइड करेगी। और जो मे भी हो भी सकता है कि ये आपका ज़्यादा चांसेस है MCQ के होने के, क्योंकि ये एक ऑनलाइन एग्जाम है। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर, आपके सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में जो भी आपके मार्क्स है उसका 50% मार्क्स, और बाकी जो असाइनमेंट आप जमा कर रहे हैं और इंटरनल मार्क्स जो आपका जो 20 मार्क्स का एग्जाम होगा उसके आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत सारी फेक न्यूज़ मिल जाती है और उससे वो अफवाह फैला देते हैं दूसरे ग्रुप में जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं और उन्हें भड़काव लगते हैं। आपको बस SBTE के नोटिस पर ही भरोसा करना है और उन पर ही बिलीव करना है। जो SBTE का नोटिस आता है उसी को पढ़ के आपको बिलीव करना है, या फिर जो अगर SBTE का अभी तक नोटिस नहीं आती है तो उसके आपको इंतजार करना है। लैपटॉप मामले में भी यह बात पूरी तरह क्लियर कर दी गई है कि आपको लैपटॉप लेना अनिवार्य है। अगर आप समर्थ है तो आप खुद से ले सकते हैं, अगर नहीं है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको यह लैपटॉप मिलेगा। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।